देखा आपने भी देखा था, मैंने देखा क्या था, अच्छा बहुत मुझे जनरली मुझे बहुत गुस्सा आया मैंने उस अभी भी टाइम पे। देखा था अभी उसका उसको तंग कर रहा है, थप्पड़ मारा, मैं कहीं तो और मारने चाहिए, कम बहुत मारे दिन और मारने चाहिए, तो मैं भी वही वही बोल रहा था। मतलब वो या वीडियो जो आई है बहुत आई थिंक उस सेटिस्फेक्शन दे रही है। घर में इस टाइम समर्थ के साथ बाकी लोग भी गलत हैं जो हंस रहे हैं उस बातों पे, चाहे वो अंकिता है चाहे वो विकी है, सब सबके सब उसको उनको बोल रहे हैं कि हाँ हंस रहे हैं और उनको उसको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा कर रहा है तो उसको और सपोर्ट मिल रही है। उसके साथ के लोग भी जो जितने लोग हैं वो भी क्योंकि उनका एक ग्रुप बन चुका है, उस ग्रुप में वो गलत को गलत सही नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, कि ये गलत है वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो लगता है कि उनकी गेम खराब हो जाएगी, सो उसकी वजह से वो भी सब गलत हैं साथ के साथ। मुझे बहुत बहुत ज्यादा अजीब लग पोक रहा है उस कर घर रहे में, हैं, बहुत ज्यादा पोक कर रहे हैं और बहुत बहुत और गंदे लेवल से चल उससे ज्यादा गलती मेरे को यह है कि यार एक तुम सेलिब्रिटी हो गए, एक इन्फ्लुएंसर हो तुम, एक इंडिया के बहुत बड़े, और तुम मेंटल हेल्थ को एक मजाक बना रहे हो, यार वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। ठीक है, जहाँ पर हम बोलते हैं कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ की बात करनी चाहिए और उन्होंने मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, आई डोंट केयर अबाउट तुम अभिषेक को कुछ भी बोलते हो, तुम लड़ रहे हो लड़ो कुछ भी करो, बट जिस चीज़ से उसको प्रॉब्लम होती है तुम्हें वो चीज़ों को अवॉइड करने में क्या प्रॉब्लम है? लड़ने के लिए और भी टॉपिक बहुत सारे हैं यार, तुम और भी टॉपिक पिक करो, तुम लड़ो ना उससे। और उनको पता है ये बात कि उसके लिए जो क्लॉस्ट्रोफोबिक है वो जनरली वो है क्लॉस्ट्रोफोबिक, फिर भी जानबूझ के उसको और ज्यादा वो बोल रहा है कि अभी साथ या होगा उसको एंग्जायटी हो रही है, वो तो और ज्यादा वो कर रहे हैं। मुझे तो बिग बॉस की भी गलती थी प्रिंस भाई उस चीज में, जब उसके लिए नहीं खोला दरवाजा एटलीस्ट उधर बाहर जाने देते। बात होगी, सलमान भाई बात करेंगे और सलमान भाई भी लगता है इस बार उनकी वाट लगाएंगे, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया को दिख रहा है। ठीक है, पिछले हफ्ते मुझे लगता है कि सलमान भाई ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उससे पहले अभिषेक भी कई बार लोगों को तंग करता था, चाहे उसके गेम प्लान था कुछ भी करता था, ठीक है ना, तो सलमान भाई ने बोल दिया तू भी करता था कि तुझे भी पता लगना चाहिए कि क्या होता है। और इस हफ्ते क्या वो पिछले 2-3 हफ्तों से कंट्रोल कर रहा है हमेशा करने के लिए, और अगर आप कोई कंट्रोल कर रहा है और तुम भी वही कर रहे हो तो तुम अभिषेक को गलत नहीं बोल सकते कि गलत था अभिषेक तू तू पोक करता है, मतलब तुमने भी पोक और ऊपर चले गए उससे, वो तुम्हें सिर्फ शो को लेके पोक करता था, तुम उसको उसकी लाइफ को लेके पोक कर रहे हो, तुम उसकी मेंटल हेल्थ पे बात करके फैमिली ऐसा को बोल लेके रहे प्रो कर रहे हैं कि तू तेरे बाप का ये है ऐसा वैसा है, दो कौड़ी का है, बहुत मतलब मेरे को प्राउड। कल ऐसा आ गया था कि अगर बाय चांस मैं मेरे को मौका मिल गया अंदर जाने का एक दिन के लिए भी, तो एक दिन में मैं इनका इतना जीना हराम कर दूंगा ना दोनों का, इनको बताऊंगा कि पोक करना क्या होता है, दोनों को बताऊंगा। और ईशा ईशा जो खुद जिससे पोक कर रही, जिस तरह पोक कर रही है, और जब वो शो में एंटर करी थी उसने दोनों रिलेशनशिप को डिनाई कर दिया था, इसके साथ भी और चिंटू के साथ भी, और उस बात को खत्म कर दिया ना मुनावर ने, और मुनावर पे जब ये बात आई थी तो ईशा इससे ज्यादा पोक कर रही थी उनको कि अरे तुझे तू क्लियर नहीं, सबसे पहले तो तू क्लियर नहीं थी, अगर उस बात को अभी तक ड्रैग करना चाहते तो मुनावर ड्रैग कर सकता था, अभिषेक ड्रैग कर सकता था, इन्होंने ड्रैग नहीं किया, उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी बात थी तुम खत्म करो लाइफ आगे बढ़ाते हो, और जब किसी और पे आई तो तुम उसको ड्रैग कर रहे हो, तुम दोनों मिलकर तुम्हें लगता है कि यही गेम है, ये गेम नहीं है बेटा। आई एम सैड कि ये बात को टॉपिक ये लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं, इनको याद नहीं है, इनको भी बोलना चाहिए ईशा को कि भाई तू यही कर रही सब कुछ, तुझे हमने माफ किया था, तेरी लाइफ को हमने आगे बढ़ने दिया, हमने बोला कि हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में और तू आज उसी बारे में किसी और के ऊपर आई है तो बात कर रही है, इन सब की गेम मुझे जीरो लगती है, जस्ट पोक करना कोई गेम नहीं होती। ठीक है, अगर हम जैसे अंदर होते लोग तो ये पोक करते तो बताते कि पोक होना क्या होता है भाई। प्रिंस भाई आप तो रियलिटी किंग हो, आपने सारे शो जीते हुए हैं ऑलरेडी, आपको पता है कि अंदर कैसा होता है, अंदर कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है। अंदर बहुत बहुत स्ट्रेस होता है भाई, मैं दुनिया को बोलना चाहूंगा कि यार एक अंदर घर एक अंदर जिंदगी अलग बन जाती है, लगता है कि यही जिंदगी है, इंसान को लगता है कि अगर ये मुझे गलत बोल रहे हैं तो मैं गलत ही हूँगा, इंसान उससे फाइट अलग कर रहा होता है, उसको पता होता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, कि दुनिया में उसको सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो वो उसको चीजें और परेशान करती हैं, और उसके ऊपर अगर ऐसी पोकिंग हो जाए तो इंसान इतना टूट जाता है कि उसके पास हाथ उठाने के अलावा कुछ नहीं रहता, कि वो सोचता है कि आप मुझे बाहर निकाल दो बेशक कुछ भी कर दो पर मुझे यहाँ से जाने दो, सो बट वो पूरा शो ऐसा कैमरा के पीछे घूम रहा है उसके, उसके मुंह पे हाथ मार रहा है, कंबल डाल रहा है उसके ऊपर, जबकि वो बात भी नहीं कर रहा। यस, वो बहुत बड़ा आशिक बन रहा है अपने आप को, बाहर निकल के किसी को ऐसे हाथ लगा के देखा जिंदगी में तो लोग बता देंगे चिंटू पिंटू ही कर देंगे उसका, रियल लाइफ में नहीं होती ना ये चीजें। प्यार होता ही नहीं है ऐसा, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप ये चीज नहीं करोगे, तो आप लड़ोगे, बट ये चीज पोकिंग नहीं करता, चल चल निकल चल चल चल, खुद तो ऐसे करता है ऐसा भी नहीं कि खुद वो उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देता और वो बोलता हो कि यार वो अभी क्या गया कि ईशा उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में भी शेख से लड़ रही है, जो कि साफ ही दिख रहा है, ठीक है ना, ताकि चिंटू उसकी लड़ाई ना करे, और चिंटू पता नहीं क्यों ही लगा हुआ है यार,
आई थिंक वो कैमरा के लिए ही कर रहा है, मतलब पूरा कैमरा के लिए लग रहा है जो वो कर रहा है। सलमान भाई ने अभिषेक जो भी बोला था उसमें कि अभिषेक को बाहर सब गलत बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको और ज्यादा शेयर मिल गई उस चीज कि हाँ हम इसको और ज्यादा तंग करेंगे और इसको एक चीज करके दिखाएंगे। अरे वो इस बार मेरे को लगता है अभी सलमान भाई बात करेंगे, पक्का मेक श्योर करेंगे, मेरे को लगता है कि क्योंकि अभी जो वो बाप के ऊपर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसने संयम नहीं खोया, अभी कुछ नहीं किया। अगर मैं घर पे हूँ, मेरे बाप के ऊपर तुम पहुंच रहे हो, तो मैं तो तुम्हें धरती के अंदर ही गाड़ दूं भाई, बिल्कुल मुझे शो से निकलना कितना पड़े, मैं तो तुम्हें उजाड़ दूं, बीच में से फाड़ दूं, फिर बताऊं तुम्हें भाई तो है कौन, है ना। पर अभी भी ज्यादा कुछ नहीं करता, यू नो, बिल्कुल वो तो यू नो, अभी वो छोटा है ना, कभी मेंटल हेल्थ से निकला नहीं ना। अगर मेंटल हेल्थ से निकले तो उसको पता हो कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। और ये जो मतलब अंकिता की मैं बाय से डिनाई करूंगा कि उसने बोला कि ये झूठ बोल रहा है कि क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं है, अब तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? उसका कौन सा तरीका होता है तुम्हें बताने का, जो अगर वो गला पकड़ के बैठ जाएगा तो तुम्हें लगता है कि तभी तुम बिलीव करोगे कि वो क्लोस्ट्रोफोबिक है, यू नो। और अलग अलग किसी को एंग्जायटी भी होती है, वो अलग अलग तरह की होती है, किसी को किसी भी टाइम आ जाती है, किसी को सिचुएशनल आती है, ठीक है, किसी को कुछ सोच के आती है, यू नो। तो इसका कोई एक तरीका नहीं होता, रीजन नहीं होता, अलग अलग रीजन होते हैं हर चीज के बीमारी के। तो तुम्हें क्या पता वो किस किस चीज से निकल रहा है यार? तो अगर तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे उस चीजों में और तुम बोल रहे हो कि हाँ वो झूठ बोल रहा था लग रहा है, तो आई थिंक तुम गलत जगह पे जा रहे हो। तुम अपने सिर्फ एक गेम को आगे बढ़ाने के लिए, एक हफ्ता और बढ़ाने के लिए तुम गलत चीजों का साथ दे रहे हो कि जो नहीं होना चाहिए। प्रिंस भाई वो मैं मुझे याद है, अपना दोस्त के घर पे जाते थे, तो उसका घर 10वें फ्लोर पे था, तो वो लिफ्ट से नहीं जा पाता था, वो सीढ़ियों चल के जाता था। आई नो, और बाई चांस की बहुत सारी ऐसे वीलॉग्स भी हैं उसके, इसमें उसने वीलॉग में डाला हुआ है कि हाँ मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ, तो ऑलरेडी बाहर सबको पता है, ऑलरेडी वीलॉग्स में है लोगों के, तो ये हमें प्रूफ करने की जरूरत है, लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया है इस चीज को। एंड अभी जो चीजें हो गई है ना, उस चीज का मुझे बस सलमान भाई को देना, सलमान भाई किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो पूरा सपोर्ट करें अभिषेक को इस बारी। वो करेंगे और दुनिया तो सपोर्ट कर ही रही है यार, ठीक है, डजंट मैटर कि घर में उनको कौन सपोर्ट करता है नहीं करता, पर दुनिया की सपोर्ट सबसे सारा मैटर करती है। और वो अभिषेक के साथ भी और मुनावर के साथ भी, ठीक है, इन दोनों के साथ अभी यू नो वो चारों ने अभी जो वो तीसरा भी है, जो क्या नाम है उसका, उसका नाम भी याद नहीं आता, जिसको कल मुनावर ने अरुण मतलब यार वो क्या बंदा है यार, मतलब खुद बाहर की दुनिया में सिर्फ गालियां देके जिंदगी में आगे बढ़ा और लोगों को जीना सिखा रहा है। और मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद गलत सीजन में चला गया था, मुझे इस सीजन में होना चाहिए था इन सबके साथ, और अगर इन सबके साथ होता तो फिर सब अगर याद आता तो इनको जिंदगी में ये अपनी जिंदगी भूल जाती। अभी उनको वो ये ना कि कोई है नहीं उस टक्कर का जो उस चीज का बोल पाए, जिसके अंदर उतना पेशेंस लेवल हो जो आपको टक्कर दे पाए, इसलिए थोड़ा सा ये सब लोग उछल रहे हैं। अगर आप होते तो खोल ही देते बिल्कुल, फिर उनके लिए सिर्फ दरवाजे खुले होते बाहर जाने के लिए कि हमें खोल दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें खोल दो, हमें जाने दो। बाकी इस बार नॉमिनेट भी हो गए दोनों, मुनावर और अभिषेक दोनों ही नॉमिनेटेड है इस बार। अरे ये बच जाएंगे, इनको निकाल सकते इनके, वो तो है ही, इनके बिना कोई शो नहीं है। अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो वो आपस में भाई बहन खेलेंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ मतलब इनके बिना कोई शो ही नहीं है, मतलब ये पूरे अलग है ये दो लोग, बाकी पूरा घर अलग, ये दोनों ही शो चला रहे हैं अभी पूरा। और आप बताओ प्रिंस कहाँ पे? बस बढ़िया, मैं अभी चंडीगढ़ में था यार, मेरा 9th गाना आ रहा है और रिलीज होने वाला है, तो उसका थोड़ा सा काम चल रहा था, जिम से आया हूं, बस अब सीधा वहीं निकल रहा हूं मैं। बॉम्बे कब आता? बॉम्बे आता तो मैं निकल जाता हूं, आके सीधा निकल जाता हूं, पर अभी मैं आऊंगा, मैं शायद 12-13 तारीख को आऊंगा बॉम्बे। तो बॉम्बे आ जाओ फिर, बॉम्बे आके कुछ शूट भी करते हैं अच्छा साथ में। आपसे मेरी बात होती है, आप चंडीगढ़ में होते हो फिर आप बॉम्बे आते हो और टच करके भाग जाते हो वापस। मैं टच करके भाग जाता हूं, तो मेरे जितने शूट होते हैं ना मैं 2 दिन में रख लेता हूं और फटाफट करके फिर मैं निकल लेता हूं, जहां मेरे शोज होते हैं या फिर जहां पर बैठा होता हूं। बार आओ तो फिर पक्का मेरी जान, मैं आके तो फोन करता हूँ, ठीक है, और सभी को बोलूंगा जितने भी लोग हैं प्लीज जाकर अभिषेक और मुनावर को फुल सपोर्ट करो, इन दोनों में से कोई जीतना चाहिए, ठीक है, ट्रॉफी इधर ही आनी चाहिए, बाकी नए स्टूडियो पे आना पड़ेगा, अब तो घर के पास में आपके स्टूडियो। डन 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 मेरी जान, मैं आऊंगा, आते ही आता हूँ। आमिर भी, आमिर लव यू मेरी जान, ठीक है मेरी जान, चलो ठीक है प्रिंस भाई, ओके बाय। तो ये थे हमारे प्रिंस भाई, हम सबके चहेते और रियलिटी के किंग, मतलब इनसे बढ़कर अब तक कोई इंसान नहीं हुआ है जिसने इतने सारे रियलिटी शोज जीते हैं,
और अपने दम पे, और हर चीज है, चाहे दिमाग हो, चाहे पावर हो, स्ट्रेंथ हो, चाहे लोगों का प्यार हो, सब कुछ मिला है प्रिंस भाई को. एंड मेरा तो प्यार है ही है. मैं तो गैंग प्रिंस में ही था जब रोडीज में गया था, तो मेरे तो फेवरेट हमेशा से है, थे, रहेंगे. अब गाइज मैं एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को कि अभिषेक इस बार नॉमिनेटेड है, तो आप सब जल्दी से जल्दी जाकर जियो सिनेमा ऐप पे अभिषेक को वोट कर दो. बहुत ही कम टाइम लगता है, बस ऐप खोलना है, वोटिंग पे जाना है, बिग बॉस के नीचे जाके वोटिंग पे जाना है, एंड देन वोट कर देना है अभिषेक को, दैट्स इट. और अपने सारे फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको बोलना है कि अभिषेक को वोट करें, क्योंकि इस बार ट्रॉफी हमको अभिषेक को ही जितानी है. चाहे कुछ भी हो जाए, अभिषेक यार एटलीस्ट वो बंदा ना हर चीज में रियल है. बाकी सब लोग फेक कर रहे हैं. मतलब मैं किसी एक इंसान का नाम ले सकता हूँ रियल बन के कर रहा हूँ, मैं सबके बारे में बता सकता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, बट वो चीज अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे. वो चीज मैं आपको बताऊंगा अपने इंस्टाग्राम से. यहाँ पे हम सिर्फ अभिषेक के लिए आए हैं, अभिषेक के लिए प्यार है, और अभिषेक को स्ट्रांग रखना है. और अभिषेक स्टे स्ट्रांग, सब लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो अभिषेक को, एंड बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को. आप सब लोगों ने इतने सारे वोट करे, इतना सारा आप लोग अभिषेक के लिए स्टैंड ले रहे हैं. सो थैंक यू गाइस, एंड हम दोबारा लाइव आएंगे, दोबारा आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे. चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर. आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ गाइस, आ जाओ आ जाओ.